मुझे शर्म और तमीज का लेक्चर देने के बजाय अपनी बीवी पे ध्यान देना तो आपके हक में ज्यादा बेहतर रहेगा। जब बीवी संभाली नहीं जाती तो फिर शादी क्यों की थी उसे आपने? यही मसला है कि मैंने शादी क्यों कर ली, यही फितूर है तुम्हारे दिल में कि मैंने शादी क्यों कर ली, और ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए अब तुम हद से बढ़ रहे हो। देखिए भाई, अगर आपने ये गट लेंसा मुझ पर एक बार फिर से लगाया तो मैं वाकई हद से बढ़ जाऊंगा और इस पर मेरी कोई हदें नहीं होंगी। अच्छा देखिए, एक इंसान कब तक ये घटिया इंजाम खुद में बर्दाश्त करता रहेगा? अच्छा इल्जाम है ये, तुम उसे वरगला नहीं रहते? हाँ, मेरी बीवी को वरगला नहीं रहते तुम? अगर उससे मोहब्बत करते थे तो शादी कर लेते ना, क्यों जमीन पे मान गए तुम? और जब मैंने शादी की तो अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, है ना? मुझसे मेरी बीवी को छीनना चाहते हो अब तुम? भाई बस कर, आप मुझे तहस दिला रहे हो, याद रख के चुप कर जाए वरना। वरना क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? हाँ, जान से मार, मुझे मेरी बीवी को मुझसे छीनने के लिए मुझे जान से मारना ही पड़ेगा, वरना ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। मार दो जान से, बस कर दे, मार दो मुझे जान से, बस कर दे, कत्ल कर दो मेरा, मारो मुझे। बता रहा हूँ, मैं कोई लिहाज नहीं रखूंगा मेरे, मत करो लिहाज, मारो मुझे, मारो मुझे जान से, बस कर दे, मारो मुझे। मामा क्या हो गया? मामा वो क्या हुआ है? असलम भाई और फराज भाई झगड़ रहे, प्लीज जल्दी चले, जल्दी चले। बस कर, बस कर दे, बस कर दे, बस बस बस। ठीक हो बेटा? ठीक हो ना? देखा आपने, देखा, ये जान से मारना चाहता हूँ मुझे, ये मैं जानता हूँ इसके दिल में क्या है, इसके दिल में फितूर है, ये मेरी बीवी के साथ। समझा इसे, मैं समझा, आ जाओ, आ गई, ये बच गया, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती है ये। बस बस बस, आज ये किस्सा खत्म हो ही जाता अगर ये बुढ़िया बीच में ना, मेरी भी जान छूट जाती इस मखनचू से। नहीं बेटा नहीं, मुझे जान ही निकल गई थी।